कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज केस। अगर किसी कंज्यूमर में ने दो गुड्स दो कमोडिटी खरीदा एक्स और वाई, अगर दो कमोडिटी खरीदा तो इस दो कमोडिटी खरीदते वक्त ये देखा जाएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, यानी कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा, इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट थ्री है, यानी कि लेक्चर थ्री है, पूरी वीडियो को देखेगा समझ में आ जाएगा। पहला मैंने बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस में एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम होता था, ये तब इक्विलिब्रियम होता था जब उसका एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, यानी कि उससे मिलने वाला जो मार्जिनल रुपीज से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो जो है रुपी वर्थ सेटिस्फेक्शन के इक्वल हो जाता था। जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते थे उस जगह पर जो है कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहा जाता था। अब यहां पर अगर दो कमोडिटी यूज करें, मान लीजिए पहली कमोडिटी जो है कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स है, तो वो पहला सेटिस्फेक्शन इस स्थान पर हो गया एम यू एक्स पी एक्स इक्वल टू एम यू वन। अब उसने दूसरा कमोडिटी लिया वाई, और तो वाई का इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम, इसका ही वही होगा, ये हो गया इक्वेशन टू। अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में मिलाए, यानी कि कमोडिटी एक्स का जिस जगह पर एम यू एम, क्योंकि यहाँ पर एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जितना भी होगा उतना दूसरे का भी होगा, दूसरे गुड्स का भी होगा, ऐसे में यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है वो इस तरह से बनता है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जो बर्थ रुपीज सेटिस्फेक्शन है वो जो है पहले गुड का मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरे गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी के तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, और जब तीनों का आपस में बराबर हो जाते हैं उस जगह कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब हो गया। अब मान लीजिए एम यू एक्स जो है 50 है और पी एक्स अगर 10 है तो ये कितना आ गया यहाँ पर 5। उसी तरह एम यू मार्जिनल यूटिलिटी जो है 100 है और इसकी जो कीमत है प्राइस पर डे 20 है, तो ऐसे में इसका भी कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसे में एम यू एक्स और पी एक्स आपस में क्या है बराबर हो गया इक्वल। अब देखेंगे ये एम यू एम के बराबर है या नहीं है, तो एम यू एम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी 5 ही है, तब जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो उस स्थिति को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है कि लेट एम यू एक्स इक्वल टू 20 पी एस इक्वल टू 4 एम यू वाई इक्वल टू 25। ये पहले वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी है, ये दूसरे वस्तु की है, पहले वस्तु की कीमत रुपीज 4 है और दूसरे वस्तु की कीमत जो है 5 है, और जो मार्जिनल एम यू एम है वो कितना है 5 है। तो ये हो गया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी जगह पर होगा। तो ऐसे में हम जो है फार्मूला लगाते हैं, इक्विलिब्रियम का फार्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू एम। ये जो है रुपीज वर्थ यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होना चाहिए इन दोनों। तो एम यू एक्स है 20 अपॉन 4 इक्वल टू एम यू वाई 25 अपॉन 5 इक्वल टू ये है 5, तो करके देखिए 4 5 जा 20 इक्वल टू 5 5 जा 25 इक्वल टू 5, ये इक्वल है, तो हम कहेंगे यस कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर यहाँ पर क्या है आपस में संतुलित है। अब एक ग्राफ के साथ समझिए, हम यहां पर मानते हैं लेट एम यू एम इक्वल टू कितना है 1 है और कीमत पी एक्स इक्वल टू पी वाई आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि बराबर है।
तो ऐसे में हम सबसे पहले यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स लेते हैं, तो ये एक दो तीन चार पाँच। कमोडिटी एक्स का जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितना दे रखा है, पहले यूनिट का 100, 80, 60, 40, 20, और पी एक्स कितना है 10, 10, 10, 10, 10। ऐसे में हम इसका जो है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ रुपीस, रुपीस के हिसाब से निकालेंगे। तो MUM कितना है, 1 है। इसको MUM फार्मूला क्या होता है, MUX/PX डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 10, 8, 6, 4, 2। ये यूनिट X का है। अब हम निकालेंगे यूनिट Y का, ये भी है 1, 2, 3, 4, 5, और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी अब Y कितना है 24, 22, 20, 18 और 16। और मानते हैं इसका पर यूनिट प्राइस कितना है, 2, 2 है, 2 रुपये है। ऐसे में जो रुपीस में चेंज करेंगे MUY को, तो अगर ये रुपीस में चेंज होता है तो कितना आ जाएगा, 12 2 12 11 10 9 और 2 8 16। अब ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट ये है जब पहले वस्तु का एक यूनिट लेते थे वहां पर जो है इसका रुपीस वर्थ कितना होगा 10, और इसी का जो है जब 3 यूनिट लेते हैं तब जाके ये इसके बराबर हो रहा है। यानी कि इस यूनिट पर, यानी कि एक्स का यूनिट 1 पे इसका MUX कितना है 10 आ रहा है, और इसका यूनिट 3 पे MUX कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यानी कि जब वस्तु एक्स का एक यूनिट खरीदा जाएगा कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से, उसी जगह वस्तु वाई का 3 यूनिट खरीदा जाएगा 2 रुपए के हिसाब से, इस बिंदु पर जाके एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम होगा। इसी को अगर हम ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफ में ये सेट जो हमने जो लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये MUX को बताता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स को ये राइट हैंड साइड एरो वाला शो कर रहा है, और ये लेफ्ट हैंड एरो वाला कमोडिटी वाई को शो कर रहा है। अब इन दोनों के जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का हम जब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते हुए जब हमने देखा ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ MUX, यानी कि अब जब दोनों आपस में जिस पॉइंट में मिलेगा, ये पॉइंट ये बताता है कि जो ये दोनों पॉइंट आपस में कौन से स्थान पर जाके आएगा, जब कमोडिटी एक्स का 3 यूनिट खरीदा जा रहा है और कमोडिटी वाई का जब 7 यूनिट खरीदा जाएगा, तब ये पॉइंट जो है बराबर होगा। यानी कि कमोडिटी एक्स का 3 यूनिट और कमोडिटी वाई का 7 यूनिट जब होगा, तब वो जो है अपने टोटल और टोटल जो अमाउंट है प्राइस के हिसाब से, वो तब इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमें ये पता चल जा रहा है कि जब कंज्यूमर कहाँ कमोडिटी होगा, जब दो चीज़ों को आपस में इक्विलिब्रियम होगा, जब दो चीज़ों को आपस में खरीदा जाता है। थैंक यू।